हमारे पास मौजूद है उसको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। उसमें से कुछ इंसुलेटर्स हैं जिनमें से करंट पास नहीं करता, कुछ कंडक्टर्स हैं और कुछ सेमी कंडक्टर्स हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कुछ चीजें कंडक्टर्स क्यों होती है और कुछ चीजें इंसुलेटर्स क्यों होती है। इस सवाल का जवाब ऑलरेडी हमें बोहर ने दिया था और बोहर ने अपनी इलेक्ट्रॉन थ्योरी में दिया था, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ठीक है, द कन्वेंशनल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी बेस्ड ऑन बोहर मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जो हमारे पास कन्वेंशनल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है उसने ये जवाब दिया था कि भाई हमारे पास कंडक्टर्स क्यों होते हैं, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इंसुलेटर्स जो है वो इंसुलेटर्स क्यों होते हैं, वो करंट क्यों नहीं पास करते, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो ये वो थ्योरी थी जो बोहर ने दी थी, लेकिन ये थ्योरी बहुत से सॉलिड्स को एक्सप्लेन करने से फेल हो गई थी। ठीक है, इसलिए मैंने ये लिखा कन्वेंशनल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी बेस्ड ऑन बोहर मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन एन एटम फेल्ड टू एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स। बहुत सी चीजें बोहर के मुताबिक इंसुलेटर्स होनी चाहिए थी लेकिन वो कंडक्टर्स थी, या कंडक्टर्स होनी चाहिए थी मगर हकीकत में वो इंसुलेटर्स थी। तो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक और नई थ्योरी आई जो वेव मैकेनिकल मॉडल पर बेस करती थी। वेव मैकेनिकल मॉडल मतलब जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेव है, वो उस पर बेस करती थी, और उस थ्योरी को हम आज पढ़ेंगे, उसी का नाम है एनर्जी बैंड थ्योरी। ये बात मैंने नीचे लिखी, एनर्जी बैंड थ्योरी बेस्ड ऑन वेव मैकेनिकल मॉडल हैज फाउंड सक्सेसफुल इन रिजॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। तो वो जो प्रॉब्लम आ गए थे बोहर की थ्योरी के साथ, उसको सक्सेसफुली किसने कोप अप किया, वो एनर्जी बैंड थ्योरी ने कोप अप किया। अच्छा, अब जरा देखते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी में सबसे पहली चीज आपको क्या जाननी है, वो है स्टेट्स। आप लोग जानते हैं बोहर के मुताबिक आप लोगों ने शेल्स को तो पढ़ा है, आपको मालूम है कि किसी भी एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट शेल्स में ऑर्बिट कर रहे होते हैं। लेकिन बोहर ये कहता है कि जब एटम अकेला हो तब तो वो शेल्स होते हैं, लेकिन जब सॉलिड बनता है, तो क्योंकि ये चैप्टर सॉलिड के बारे में ना, फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स के नाम से चैप्टर है, तो जब सॉलिड बनता है बहुत से एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, जब वो एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं तो उनके शेल्स एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करते हैं, जिससे हमारे पास जो उसके शेल्स हैं या एनर्जी लेवल्स हैं वो डिवाइड हो जाते हैं मजीद छोटे छोटे एनर्जी लेवल्स में। वो जो मजीद एनर्जी लेवल्स में डिवाइड हो जाते हैं उसे हम कहते हैं स्टेट्स। और वो ये भी कहेगा कि वो स्टेट्स इतने करीब करीब एनर्जी लेवल्स होते हैं कि अगर आप उसको गौर से ना देखें तो वो आपको एक कंटिन्यूस एनर्जी बैंड की फॉर्म में नजर आएगा। जब आप गौर से देखेंगे तब जाकर पता चलेगा कि हमारे पास ये एक बैंड नहीं है बल्कि इसमें छोटी छोटी स्टेट्स हैं। ये ऐसे ही है जैसे एक कपड़े को अगर आप गौर से ना देखें तो आपको लगेगा जैसे वो कंटिन्यूस चीज है, उसमें कोई होल्स कोई गैप नहीं है, लेकिन अगर आप उसको बहुत क्लोज जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास जो कपड़ा है उसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, जिन धागों से वो मिलकर बना तो उनके दरमियान गैप्स होते हैं। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा। तो ये वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन आइसोलेटेड एटम, अगर अकेला एटम हो उसके करीब कोई भी ना हो, आर बाउंड टू द न्यूक्लियस, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के बाउंड होते हैं, एंड कैन ओनली हैव डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल्स, और कुछ जगहों पर एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि वो के में एग्जिस्ट करेंगे या एल में या एम में या एन में, दरमियान में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो वो जो एनर्जी लेवल्स हैं ये एनर्जी लेवल्स वैसे ही हैं जैसे बोहर वाले, अगर हमारे पास एटम आइसोलेटेड है, ठीक है। लेकिन अब हम सॉलिड बनाते हैं, सॉलिड बनाने के लिए बहुत से एटम्स इकट्ठे होंगे। However, when a large number of atoms, say n, के n atoms हैं, बहुत ज्यादा तादाद में atoms हैं, are brought closer to one another, एक दूसरे के करीब लाए जाते हैं, to form a solid, ताकि solid बने, तो क्या होता है? Each energy level, वो जो हर energy level था, क्या होगा? Each energy level of the isolated atom split, तकसीम हो जाता है, into n sub levels, बहुत से sub levels में, called states, और उन sub levels को हम states कहते हैं, ठीक है? Under the action of the forces exerted by other atoms in solid, क्योंकि जब वो करीब आएंगे तो हर एटम दूसरे एटम पर कुछ फोर्स अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से जो हर एक का इंडिविजुअल एनर्जी लेवल था वो तकसीम हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा छोटे छोटे लेवल्स में, उन छोटे छोटे लेवल्स को हम स्टेट्स कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया कि वो जो स्टेट्स हैं जहां इलेक्ट्रॉन रह सकता है, अगर आप देखो वो इतनी क्लोज होती हैं कि आपको ऐसे लगे जैसे वो बैंड है कॉन्टिन्यूस, ठीक है, उसे हम एनर्जी बैंड्स कहते हैं। दीज परमिसिबल एनर्जी स्टेट्स, परमिसिबल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को परमिशन है वहां रहने के लिए, ठीक है। तो दीज परमिसिबल एनर्जी स्टेट्स आर डिस्क्रीट बट सो क्लोजली स्पेस्ड दैट दे अपीयर टू फॉर्म अ कंटीन्यूअस एनर्जी बैंड। कहता है वैसे तो वो डिस्क्रीट है लेकिन इतनी करीब करीब है कि देखने वाले को लगेगा जैसे ये कंटीन्यूअस एनर्जी बैंड है। इसकी मिसाल मैंने आपको दी, इसकी एक और मिसाल देखें, जैसे आप किसी शख्स के चेहरे पर देखते हो तो आप देखते हैं कि उसकी जो स्किन है वो बहुत स्मूथ है, लेकिन जब आप जूम करके देखते हो तो पता चलता है कि उसकी स्किन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो यहां पर भी ऐसा ही है कि आपके पास डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स हैं लेकिन जब बहुत करीब करीब होंगी तो फिर आपको ओवरऑल वो एक कॉन्टिन्यूस एनर्जी बैंड की फॉर्म में नजर आएगा। अब दो एनर्जी बैंड्स के दरमियान में एक ऐसी जगह होती है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, उसे कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है जी। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होगा? इन बिटवीन टू कंजेक्टिव परमिसिबल एनर्जी बैंड्स, परमिसिबल एनर्जी बैंड्स तो पढ़ लिया ना, जहां इलेक्ट्रॉन को रहने की इजाजत है, उनके दरमियान में एक ऐसी जगह जहां इलेक्ट्रॉन को रहने की इजाजत नहीं होती, ठीक है। इन बिटवीन टू कंजेक्टिव परमिसिबल एनर्जी बैंड्स देयर इज अ रेंज ऑफ एनर्जी स्टेट्स व्हिच कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड, ऐसी एनर्जी स्टेट्स जिनको ऑक्यूपाई नहीं किया जा सकता बाय इलेक्ट्रॉन, दीज आर कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी स्टेट्स एंड इट्स रेंज इज टर्म्ड एज फॉरबिडन एनर्जी गैप। उन स्टेट्स को कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी स्टेट्स और वो जितना गैप होता है एनर्जी का उसे कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। स्टूडेंट्स, स्टेट्स क्या होती हैं, एनर्जी बैंड क्या होता है और फॉरबिडन एनर्जी स्टेट्स या फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होता है। तो अब आप यूं इमेजिन करें कि न्यूक्लियस के गिर्द उस तरह से शेल्स नहीं है जैसे हम पहले पढ़ते थे, बल्कि एनर्जी बैंड्स हैं, जैसे कि अब हम लोगों ने एनर्जी बैंड थ्योरी में पढ़ा।
वो एनर्जी बैंड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जिस सबसे हाईएस्ट स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट होंगे उस एनर्जी बैंड को हम वेलेंस एनर्जी बैंड कहते हैं। तो व्हाट इज वेलेंस एनर्जी बैंड या वेलेंस बैंड? द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड इज कॉल्ड वेलेंस बैंड। ठीक है, वो बैंड जो सबसे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड होगा, आखिरी इलेक्ट्रॉन जहां पर मौजूद होगा उसे हम क्या बोलते हैं? वेलेंस बैंड। और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। द इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड बाय दिस बैंड आर कॉल्ड वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो उस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। वेलेंस बैंड के बारे में दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछी जाएंगी, वो आप लोगों ने नहीं भूली, वो ये दो बातें। ठीक है, नंबर वन, वेलेंस बैंड कैन ईदर बी कंप्लीटली और पार्शली फिल्ड। वेलेंस बैंड जो है मुकम्मल तौर पर भरा हो सकता है और पार्शली फिल्ड हो सकता है, यानी कुछ भरा हो सकता है। ठीक है, यानी ये दो बातें मुमकिन हो सकती हैं कि वेलेंस बैंड जो है वो थोड़ा सा भरा हो इलेक्ट्रॉन से, या मुकम्मल भरा हो, या कंप्लीटली फिल्ड हो या पार्शली फिल्ड हो, ये हो सकता है। लेकिन वेलेंस बैंड कैन नेवर बी एम्प्टी, लेकिन वेलेंस बैंड पूरा का पूरा खाली हो ये नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है? अगर वेलेंस बैंड खाली होगा तो फिर तो वो वेलेंस बैंड की डेफिनेशन से निकल गया, क्योंकि वेलेंस बैंड का क्या मतलब है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड, हाईएस्ट बैंड जहां पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो अगर वो खाली होगा तो फिर तो इस डेफिनेशन में नहीं आ रहा, तो उससे निचला वाला जो बैंड होगा वो असल में वेलेंस बैंड बन जाएगा। तो इसलिए ये कभी भी खाली नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये खाली हो गया, ठीक है, तो फिर ये बाय डेफिनेशन वेलेंस बैंड रहेगा ही नहीं। उसके बाद देखते हैं कंडक्शन बैंड क्या होता है। ये जो वेलेंस बैंड है ना, वेलेंस बैंड से ऊपर एक बैंड होता है उसे हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। ठीक है, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें या हम कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे या फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। याद रखिएगा, ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो असल में कंडक्शन की वजह बनेंगे, यानी जिस मटेरियल के अंदर कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वहां पर हम देखेंगे कि वो मटेरियल्स कंडक्टर्स होंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। ठीक है, द बैंड अबव द वेलेंस बैंड, वेलेंस बैंड से ऊपर जो बैंड होता है इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। द इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड बाय दिस बैंड आर कॉल्ड कंडक्टिव और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन बैंड में मौजूद हैं उन्हें कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इसके बारे में भी दो बातें आप लोगों ने याद रखनी, और वो क्या है? नंबर वन, इट मे ईदर बी एम्प्टी, ये खाली हो सकता है, यानी इसके बारे में कहा था ये खाली नहीं हो सकता, कुछ भरा हुआ हो सकता है, फुल भरा हुआ हो सकता है। ये कह रहा है कि ये खाली हो सकता है या कुछ भरा हो सकता है। ठीक है, लेकिन इट कैन नेवर बी कंप्लीटली फिल्ड, लेकिन ये पूरा भरा हुआ नहीं हो सकता। ठीक है, ये फर्क याद रखना, ये पूरा भरा हो सकता है या कुछ भरा हो सकता है, पूरा खाली नहीं हो सकता। इसके बारे में क्या बताया? ये पूरा खाली हो सकता है, कुछ भरा हो सकता है, लेकिन मुकम्मल भरा हुआ नहीं हो सकता, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि वेलेंस बैंड को छोड़कर सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में चले जाएं, तभी वो कंप्लीटली फिल्ड होगा ना। ठीक है, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता कि निचली एनर्जी लेवल अभी खाली हो और सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले एनर्जी लेवल में चले जाएं। ठीक है, ये तारुफ आप लोगों को मैंने थोड़ा सा बता दिया एनर्जी बैंड थ्योरी में। अगर आपने समझना है चीजों को तो आपको ये पता होना चाहिए एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, और ये दो किस्म के एनर्जी बैंड्स वेलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का पता होना चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि इंसुलेटर्स जो करंट नहीं पास करते एनर्जी बैंड थ्योरी के मुताबिक वो क्यों नहीं पास करते, कंडक्टर्स जो कि करंट पास करते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी के मुताबिक वो क्यों करंट पास करते हैं, और सेमीकंडक्टर्स का बिहेवियर जो है वो सेमीकंडक्टर की तरह क्यों होता है। तो ये सारी चीजें अब हम एक्सप्लेन करेंगे एनर्जी बैंड थ्योरी के मुताबिक वेलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के कॉन्सेप्ट से। आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर, देखते हैं कि इंसुलेटर्स इंसुलेटर्स क्यों हैं, कंडक्टर्स कंडक्टर्स क्यों हैं। तो आइए स्टूडेंट्स जरा देखते हैं कि इंसुलेटर्स एनर्जी बैंड थ्योरी के मुताबिक इंसुलेटर्स क्यों हैं। आप लोगों को मालूम है इंसुलेटर्स वो चीज होती है जो करंट पास नहीं करती, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। एनर्जी बैंड थ्योरी लेकिन आपको ये भी बताएगी कि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं होते। ठीक है, तो जरा देखिए पहले डेफिनेशन हम एक बार देख लेते हैं। इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री, है ही नहीं इलेक्ट्रॉन फ्री ताकि कंडक्शन हो सके। ठीक है, फॉर कंडक्शन अकॉर्डिंग टू ईबीटी, ईबीटी का मतलब एनर्जी बैंड थ्योरी, इंसुलेटर्स में ऐसा क्या होता है? ये तीन बातें होती है जिसकी वजह से वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते उनके पास। ये तीन बातें जो है ये यहाँ पर एक डायग्राम के जरिए मैंने आपके सामने बनाई है, इसको समझते हैं। ये हमारे पास वेलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। डेफिनेशन मुताबिक आपको पता है कंडक्शन बैंड इज अबव द वेलेंस बैंड, तो ये ऊपर है। ये दरमियान में फॉरबिडन एनर्जी गैप है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। आप ये भी कह सकते हैं ये वो एनर्जी है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। आप ये भी कह सकते हैं ये वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए अगर वो वेलेंस से निकलकर कंडक्शन में जाना चाहता है। आप देख रहे हैं इंसुलेटर्स के केस में ये फॉरबिडन एनर्जी गैप अच्छा खासा है, काफी ज्यादा है, यानी वेलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए तब जाकर वो कंडक्शन में जाएंगे, और आमतौर पर ये एनर्जी उनको अवेलेबल नहीं होगी। जब ये अवेलेबल नहीं होगी तो वो फिर कंडक्शन बैंड में जाने की बजाय कहां रहेंगे? वेलेंस बैंड में रहेंगे, तो कंडक्शन तो खाली रहेगा। और जब कंडक्शन बैंड खाली हो तो आपको मालूम है कंडक्शन के ही तो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कंडक्शन की वजह बनते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब कंडक्शन बैंड खाली होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली उस चीज ने एक इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करना है। ठीक है, तो ये देखिए एम्प्टी कंडक्शन बैंड होता है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वजह पता चलगी ना, क्योंकि फॉरवर्ड एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। अब फुल वेलेंस बैंड, सारे इलेक्ट्रॉन क्योंकि वेलेंस बैंड में होंगे तो वेलेंस बैंड फुल है लेकिन कंडक्शन बैंड खाली है। ये पहले दो पॉइंट्स होंगे। अ लार्ज एनर्जी गैप, सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है। ठीक है, पढ़ के आए आप लोग चैप्टर नंबर 12 में।
तो अलार्ज एनर्जी गैप, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। ये तीन बातें हैं जो इंसुलेटर्स को इंसुलेटर की तरह बिहेव करने पर मजबूर करती हैं, या आप कह सकते हैं ये वो तीन बातें हैं जिसकी वजह से कंडक्शन बैंड खाली होता है और कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते और वो मटेरियल कंडक्शन का प्रोसेस नहीं कर सकता। कंडक्टर्स, एनर्जी बैंड थ्योरी क्या कहती है? कंडक्टर्स क्यों कंडक्टर्स होते हैं रूम टेम्परेचर पर? आप देखते हैं ना, कॉपर की वायर जो है उसको अगर मैं बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करता हूं तो आप देखते हैं फॉरन करंट बहना शुरू हो जाता है। ऐसा क्या है इसमें? डेफिनेटली इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों है? तो इसको जरा देखते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी के बारे में क्या कहती है। पहले कंडक्टर्स को डिफाइन करते हैं। व्हाट आर कंडक्टर्स? कंडक्टर्स आर दोस मटेरियल्स व्हिच हैव प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। प्लेंटी का मतलब बहुत बेतहाशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनके पास, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए उनके पास बेतहाशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अकॉर्डिंग टू ईबीटी, एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंगली, ये तीन पॉइंट्स अब आप लोगों ने याद रखने। आइए पहले इसको डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम में वही वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड यहाँ पर भी मैंने आपको दिखाया, लेकिन जरा गौर कीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए, ये कंडक्शन बैंड है, ये देखिए ब्लू में। अच्छा, ये वैलेंस बैंड ब्लैक में है ना, ये देखो वैलेंस बैंड ब्लैक में, यानी अगर आप गौर करो तो दोनों बैंड्स ओवरलैप नहीं कर रहे, एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे, यानी यहां से यहां तक हमारे पास ये दोनों ब्लू लाइन से कंडक्शन बैंड है और यहां से यहां तक हमारे पास वैलेंस बैंड है, यानी अभी हमारे पास कंडक्शन बैंड खत्म नहीं हुआ था यहां पर कि वैलेंस बैंड स्टार्ट हो गया, तो ये वो हिस्सा है जो इनका ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो एक बात हम लोगों ने ये सीखी कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप करते हैं। अच्छा, अगर ये ओवरलैप करेंगे तो एनर्जी गैप तो हो ही नहीं सकता भाई। एनर्जी गैप क्या होता है? दोनों के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है तो वो तो ओवरलैप करें, एनर्जी का तो गैप हो नहीं सकता। इमेजिन करें अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में, वैलेंस बैंड में, लेकिन अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखें तो यही इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में, यही ऑटोमेटिकली कंडक्शन में भी है, यानी एट द सेम टाइम वो वैलेंस में होते हुए कंडक्शन में है, और जब वैलेंस के कुछ इलेक्ट्रॉन हर वक्त कंडक्शन में रहेंगे तो वो तो कंडक्टिव या इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी को जाहिर कर रहा है। यही वजह है कि ऐसे मटेरियल्स हर वक्त कंडक्टर्स होते हैं, जैसे ही आप बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो फौरन इनमें से करंट पास करना शुरू कर देते हैं। तो ये दो बातें, वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड लार्जली ओवरलैप, ओवरलैप कर रहे हैं, ये हिस्सा ओवरलैपिंग है जिसको मैंने शेड किया। दूसरी बात, नो फिजिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू बैंड, दो बैंड के बीच कोई बाउंड्री नहीं है, आपको फिजिकल डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते, कोई फर्क नहीं कर सकते, विच इंश्योर्स, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं द अवेलेबिलिटी ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आपको मिलेगी, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में होंगे वो ऑटोमेटिकली उसी सेम टाइम में कंडक्शन बैंड में भी मौजूद होंगे, तो हर वक्त कुछ ना कुछ कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो उतने अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते जितने खुद कंडक्टर्स होते हैं, और उतने अच्छे इंसुलेटर्स भी नहीं होते जितने खुद इंसुलेटर्स होते हैं, यानी इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के दरमियान में फॉल करती है, ठीक है। सेमीकंडक्टर उनका नाम जाहिर कर रहा है कि ये सेमीकंडक्टर यानी कुछ कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे। और सेमीकंडक्टर मटेरियल इज द वन हुज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाई इन बिटवीन, उनके दरमियान में फॉल करते हैं। किनके दरमियान में? इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स के दरमियान में। अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड थ्योरी, ईबीटी मतलब एनर्जी बैंड थ्योरी, एट रूम टेम्परेचर इनमें क्या होता है जरा देखिए। ये देखिए कंडक्शन बैंड है, उसके नीचे वैलेंस बैंड है, ये फॉरबिड एनर्जी गैप है तो सही ये वाला, ठीक है, लेकिन इतना कम है कि आप देख सकते हैं ये कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक या दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, इससे ज्यादा नहीं। ये इतनी कम एनर्जी है कि आम रूम टेम्परेचर पर, यानी इस वक्त अगर आप देखेंगे तो एक या दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इस वक्त हमारे कमरे में भी होगी, तो वो एनर्जी जब इन वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी तो उनमें से कुछ ऑटोमेटिकली कहां चले जाएंगे? कंडक्शन बैंड में, क्योंकि फॉरबिड एनर्जी गैप इतना कम है कि रूम टेम्परेचर पर जो एनर्जी है वो इनफ है उनको वैलेंस से कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए। तो इस वक्त अगर आप देखें रूम टेम्परेचर की बात करें, इस वक्त अगर आप देखेंगे तो आपको सेमीकंडक्टर के कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंडक्शन बैंड में नजर आएंगे, असूलन नहीं होते, वैसे तो वैलेंस में होते, लेकिन एनर्जी गैप इतना कम है कि रूम टेम्परेचर की एनर्जी इनफ है कि वो एनर्जी गैप वाली एनर्जी प्रोवाइड कर दे और इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कहां चले जाए? कंडक्शन बैंड में चले जाए। तो ये होता है सेमीकंडक्टर्स में। इस वजह से सेमीकंडक्टर्स जो है वो रूम टेम्परेचर पर कंडक्टर्स होते हैं। रूम टेम्परेचर बात करो, क्योंकि रूम टेम्परेचर की बात अगर ना करें और एब्सोल्यूट जीरो की बात करें, बहुत कम टेम्परेचर की बात करें, तो बिहेवियर डिफरेंट होता है, वो मैं आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन अभी देख लीजिए रूम टेम्परेचर पर ये सारी जो तीनों बातें हैं ये रूम टेम्परेचर के लिए कह रहा हूं बेटा। क्या होगा जी? कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में जाएंगे, कुछ वैलेंस में रह जाएंगे, तो ये भी पार्शियली फिल्ड होगा, थोड़ा सा फिल्ड होगा, ये भी पार्शियली फिल्ड होगा, तो ये देखेंगे पार्शियली फिल्ड कंडक्शन में, पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड होगा, और फॉरबिड एनर्जी गैप देखो तो बहुत कम है, ऑफ नैरो फॉरबिड एनर्जी गैप ऑफ द ऑर्डर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना बिटवीन द कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड, ठीक है। तो वैसे आर्टिकल यहां खत्म हो जाता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स का बिहेवियर मैंने रूम टेम्परेचर बताया, ये एब्सोल्यूट जीरो पर कैसा होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट बुक और देखते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो पर या जीरो केल्विन पर सेमीकंडक्टर्स कैसा बिहेव करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि एट जीरो केल्विन सेमीकंडक्टर्स कैसा बिहेव करेंगे। At zero Kelvin, there are no electrons in the conduction band and their valence bands are completely filled. अब जरा तवज्जो कीजिए, मैंने आपको बताया रूम टेम्परेचर पर, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी रूम टेम्परेचर पर होती है और वो इतनी होती है कि फॉरबिड एनर्जी गैप जो है उसको ओवरकम किया जा सकता है। इस वजह से रूम टेम्परेचर पर वेलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन्स रूम टेम्परेचर की एनर्जी लेकर कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, तो आपको पार्शली फिल्ड वैलेंस बैंड मिलेगा और पार्शली फिल्ड कंडक्शन बैंड मिलेगा, और क्योंकि कंडक्शन बैंड कुछ फिल्ड है तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो करंट के बनने की वजह बनेंगे, ठीक है। लेकिन अगर रूम टेम्परेचर ना हो तो फिर रूम टेम्परेचर वाली एनर्जी भी नहीं होगी,
ठीक है। तो उस सूरत में वैलेंस बैंड में ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, फॉरबिडन एनर्जी गैप जितनी एनर्जी भी आप नहीं दे रहे क्योंकि आप जीरो केल्विन ले रहे हैं, तो फिर वैलेंस बैंड में सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहेंगे, कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, तो कंडक्शन बैंड इस सूरत में खाली होगा और वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होंगे। ये जो मैंने बोला अभी, ये किसके लिए, ये जीरो केल्विन के लिए, ठीक है ना। दोबारा देखें, कंडक्शन बैंड देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड एंड देयर वैलेंस बैंड्स आर कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है जी। उसके बाद इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस एट जीरो केल्विन अ पीस ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, ये सेमीकंडक्टर्स हैं, आर परफेक्ट इंसुलेटर, ठीक है। जीरो केल्विन पर हम कह सकते हैं कि ये वैसे तो नाम के सेमीकंडक्टर्स हैं, रूम टेम्परेचर पर अगर देखें, लेकिन जब जीरो केल्विन पर आप देखेंगे, एब्सोल्यूट जीरो पर देखेंगे, तो फिर क्योंकि इनका वैलेंस बैंड जो है वो कंप्लीटली फिल्ड होगा, कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली होगा, तो एब्सोल्यूट जीरो पर जब आप चेक करेंगे तो पता चलेगा कि ये बिल्कुल परफेक्टली इंसुलेटर्स हैं। हाउएवर विद द इंक्रीज इन टेंपरेचर द थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड इनटू कंडक्शन बैंड, ठीक है। लेकिन होगा क्या, जैसे जैसे आप उसको टेंपरेचर देंगे, ठीक है, उस टेंपरेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना शुरू हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता कनेक्टिविटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। क्रॉसिंग द नैरो फॉरबिडन गैप, जो फॉरबिडन गैप उसको क्रॉस करना शुरू कर देंगे बाय लीविंग वैकेंसीज इन द वैलेंस बैंड, द कंडक्शन इंक्रीजेस ग्रेजुअली एंड द मटेरियल बिकम्स अ सेमीकंडक्टर एट रूम टेंपरेचर। तो अगर हम एब्सोल्यूट जीरो पर देखें तो ये परफेक्ट इंसुलेटर्स हैं, लेकिन जैसे टेंपरेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आएगी, वो जो थोड़ा सा एनर्जी गैप उसको क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में जाना शुरू हो जाएंगे और कंडक्शन का प्रोसेस जो है फिर वो स्टार्ट हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी चीज है जिसमें कंडक्शन जो है वो टेंपरेचर बढ़ने से बढ़ती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि कंडक्टर्स कंडक्टर्स क्यों होते हैं और इंसुलेटर्स इंसुलेटर्स क्यों होते हैं, कुछ के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों होते हैं और कुछ के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं होते। एनर्जी बैंड ने इस सारे राज से पर्दा उठाया, तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से याद करना है, इस क्वेश्चन को आपने ऐसे ही पेपर में अटेम्प्ट करना है विद द सेम हेडिंग्स। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।